अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेयर चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश आपके लिए लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बाला सिटी की बात करने जा रहा हूँ। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन से कोर्सेज़ आपके पास है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, किन बच्चों को पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए और इसके क्या है फ़ायदे और क्या है साथ में नुकसान, इन्हीं सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ लाभदायक चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी और साथ में आपको ज्ञान मिल रहा है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या रहता है कि आपका खुद का ज्ञान बढ़ता है। जब आप कुछ चीज़ को शेयर करते हैं तो उसका बेनिफिट औरों को मिलता है, और औरों को मिलने के साथ साथ वो चीज़ हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बाला सिटी, कोर्सेज क्या क्या इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं इसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और जैसे ही अभी वेबसाइट ओपन होगी तो हम इसके कोर्सेज के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आज नेट स्लो होने के कारण थोड़ा सी वेबसाइट स्लो चल रही है। और एडमिशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस है, और उसके बारे में भी जानकारी पूरी दे दी जाएगी आपको। कोर्सेज ऑफ़र हमारे पास क्या क्या हैं इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले कोर्स है डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट, 3 ईयर कोर्स है। टोटल 6 सीट्स इसमें इनटेक 60 है। लेटरल एंट्री के थ्रू 12 आ जाती हैं। डिप्लोमा इन ऑटो इंजीनियरिंग दैट इज़ 60। सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स जो है 120 हैं, लेटरल एंट्री की 24 है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल 120 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 60 सीट्स हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड 30 सीट्स इसकी दी हुई है। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर लगभग 9 कोर्सेज हैं। और यहाँ से हमारे पास एडमिशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बताया जा रहा है। एलिजिबिलिटी जो है 10th क्लास है हमारी, और इसमें मिनिमम जो परसेंटेज रखी गई है 35% है, और जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पे होती है। और 33% कैंडिडेट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 33 मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कंपल्सरी पास इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो इसमें एक कंडीशन है कि भाई बच्चे ने मैथ्स और साइंस में पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिप्लोमाज हैं ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अच्छी तरह मैथ्स और साइंस पढ़ा होगा। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन। अब इसमें जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट के साथ PCM के साथ, तो वो यहाँ पर हमारे सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री में एडमिशन होगा। उनके लिए डिप्लोमा का जो कोर्स है वो 2 साल का रहने वाला है। ऑल दोज कैंडिडेट हुए पास ITI एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10th, या 10+2 वोकेशनल की हुई है, या 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 12th पास विथ NSQF लेवल 4 विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक ऑब्टेन इन DET लेटरल एंट्री ओनली एज पर एज द कॉम्पेबिलिटी ऑफ द कोर्स। अब जिन्होंने कैंडिडेट्स हुए पास ITI एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10th एंड 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विल एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन इन ऑल द स्ट्रीम ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। जो बच्चे IIT के पास हैं, ITI से पास हैं,
और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो सभी डिप्लोमा कोर्सेज में एलिजिबल है। कैंडिडेट हुआ पास 10+2 आर्ट्स एंड कॉमर्स विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज, दैट इज डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट एंड ऑडिटिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ओनली। तो ये कोर्सेज़ तो यहाँ पर नहीं है, तो जहाँ पर कोर्सेज़ हैं वो आर्ट्स के बच्चे भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कैंडिडेट हुए पास 10+2 मेडिकल विल बी एलिजिबल फॉर द डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ओनली। तो जिन्होंने 10+2 मेडिकल से किया हुआ है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। कैंडिडेट हुए पास 12th क्लास विथ NSQF लेवल 4 एंड 10+2 वोकेशनल विल बी एलिजिबल एज पर एज कंपेटिबिलिटी ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3-year डिप्लोमा इन अ पर्टिकुलर ब्रांच विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ डिफरेंट ब्रांच थ्रू लेटरल एंट्री। तो किसी ने अगर 3 ईयर्स का कोर्स किया हुआ है, वो सेकेंड ईयर में दोबारा भी एडमिशन किसी भी ब्रांच में ले सकता है। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ टू द डिप्लोमा कोर्सेज अंडर द लेटरल एंट्री स्कीम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मेरिट रैंक ऑफ ऑनलाइन लेटरल एंट्री डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट DET जिसे हम बोलते हैं, उसके एंट्रेंस के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा। और इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास साइट है ऑनलाइन testhry.government.in। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और जो ट्यूशन फ़ी रहने वाली है पर सेमेस्टर बहुत ही नॉमिनल है, 1500 है। डेवलपमेंट चार्जेस 750 रुपये है, सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि रिफंडेबल है 1500, स्टूडेंट फंड है 600, बिल्डिंग फंड है 250, और कुल मिला के आपने एक सेमेस्टर में 4600 रुपये पे करनी है, सिर्फ मात्र 4600 आपकी फ़ीस रहने वाली है, और अगले सेम में इससे भी कम रहने वाली है। तो आगे की जो भी प्रोस्पेक्टस है, जैसे जैसे डेट के हिसाब से एडमिशन का प्रोसेस निकलेगा, प्रोस्पेक्टस वगैरह आएंगे, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। तो ये थी एक आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला सिटी की कहानी, और ये आपको कैसी लगी वीडियो उसके बारे में बातें हमें शेयर करनी है। और जैसा कि 10+2 के बाद अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो 3 साल के बाद आप अग्निवीर की जो हमारी भर्ती चल रही है तीनों सेनाओं के अंदर, चाहे वो हमारे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन मिलिट्री हो, चाहे हमारी इंडियन नेवी हो, तो वहाँ पर एलिजिबल है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज़्यादा वेटेज मिलती है, और आगे वो टेक्निकल कोर्सेज में करने की वजह से उनको पोस्ट में भी फ़ायदा रहता है, और आगे उनकी परमानेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोर्सेज में यहाँ एडमिशन लें, जो जिनका थोड़ा सा भी रुझान तो मैथ्स और साइंस अच्छा है तो वो इधर एडमिशन ले सकता है, और बाकी तो पढ़ने के लिए तो हर जगह पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, पढ़ाई के बिना तो देखो कोई भी कोर्स मुश्किल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं, शुभरात्रि के साथ, कल का दिन मंगल में हो और नवरात्रों की पूजा चल रही है, देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और इन्हीं शब्दों से धन्यवाद।